नमस्कार, vsvfoodsafari.com पे आपका स्वागत है। और आज हम आपको गर्मियों के मौसम में जो सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला आइटम महाराजा रबड़ी फलूदा बना करके दिखाएंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही मज़े का आइटम है ये और गर्मियों में बहुत ही अच्छा लगता है। इसका पहला पार्ट है हमारा, जिसमें हम आपको फलूदा बना के दिखाएंगे। इसके लिए आप हमारी पिछली वाली वीडियो, जिसका डिस्क्रिप्शन हम आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे, वो आप देख सकते हैं। इसको हमने डिटेल में न करके शॉर्ट में फिल्म दिखाई है आपको। और बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही कम सामान से बनता है। अरारोट, पानी, बर्फ और बहुत ही, इसकी जो डिटेल्ड वीडियो है आप हमारा लिंक जा करके देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, हम ये फलूदा बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। हमने पैन के अंदर डाल दिया है घोला हुआ अरारोट और इसको हम मीडियम हीट पर इसको हम कुक कर रहे हैं। अब कुक करने के बाद में हमने इसको डाला है जो सेवई बनाने की मशीन होती है उसमें, और उसके बाद में हम इसको आइस के जो ठंडा पानी होता है, बिल्कुल चिल्ड पानी के अंदर इनको हम बनाएंगे इसको, क्योंकि ये सेटल तभी होंगे जब इसको हम बिल्कुल बर्फ़ के पानी में इसको डालेंगे। ये देखिए, बर्फ़ के पानी में जाते ही एकदम सॉलिडफाई, अपने आप सॉलिड हो जाती हैं। और इसको डालने के बाद में हम इसमें और बर्फ़ भी ऐड करेंगे। और फिर देखिए, हमारी एक शेप की हमने नूडल्स बना ली हैं। ये हम दूसरी तरह की नूडल्स बना रहे हैं, वो थोड़ा उनसे बारीक हैं। और ये हमें कलर किया है जिससे कि देखने में इसका लुक अच्छा लगे। वाइट भी अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसको कलर भी ऐड करते हैं तो और अच्छा लगता है। ये देखिए, हमारी दूसरी नूडल्स भी रेडी हो गई हैं। फिर हम ऐड कर देंगे बर्फ़, क्योंकि ये गर्म अरारोट होता है, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो पानी का टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है। उसको फिर लेवल करने के लिए हम उसमें आइस ऐड करते हैं। ये देखिए, हमारी दोनों नूडल्स रेडी हो गई हैं, वाइट और रेड कलर की। और अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे अपना फलूदा बनाने की। ये देखिए, इसके अंदर जो कई आइटम हैं जो हमने पहले से तैयार करके रखी थी, जैसे कि ये जो रबड़ी है ये हमने घर पर ही बनाई है, 1 लीटर फुल क्रीम दूध से, और करीब 20 मिनट में ये तैयार हो जाती है। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे शुगर सिरप, ये भी हमने घर पर ही रेडी किया है। 1 तार की चाशनी है ये, और इसको क्योंकि 1 तार की चाशनी जमने लगती है, सॉलिडिफाई होने लगती है, तो उसके लिए हमने इसमें थोड़ा सा नींबू डाला है जिससे कि इसके क्रिस्टल ना बने चीनी के। ये हमने इसमें शुगर सिरप डाल दिया है। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर वाइट नूडल्स, जो हम उसको फलूदा बोलते हैं, ये हम इसके अंदर डालेंगे। या आप इसकी डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक में आपको हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, और उससे आप देख सकते हैं इस वीडियो को। ये देखिए, हमने फलूदा ऐड कर दिया है। अब हम इसमें फिर थोड़ा सा रबड़ी डालेंगे, ये और जो ये खोवा है ये रबड़ी है, इसमें हमने शुगर नहीं ऐड किया है। शुगर जो हम डालेंगे वो ऊपर से डालेंगे सिरप के रूप में। ये देखिए, हम इसमें फिर थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड करेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर लेयर बनानी है, खोया, शुगर, फलूदा, खोया, शुगर, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे आइस, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ये मेरा ग्लास थोड़ा छोटा था, इसके लिए मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी ऐड करने में। अगर आप इससे बड़ा ग्लास यूज़ करेंगे तो और थोड़ा सा आपको कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि ये मुझे जब मैंने ये वीडियो रेडी कर रहा था तो मुझे बाद में पता चला कि मुझे बड़ा वाला ग्लास यूज़ करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने इसको कैसे भी मैनेज किया है। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई हैं सारी चीज़ें, रबड़ी, शुगर सिरप, फलूदा, बर्फ़। और ये हमने इसको बिल्कुल भी पतला नहीं करना है, इसको इतना रखना है कि इसको चम्मच की हेल्प से हम इसको खाएं। ये देखिए, हमारा बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गई है हमारी सारी चीज़ें। अब हम इसके ऊपर से डालेंगे, ये हमने रेड कलर वाला जो फलूदा बनाया था वो डाला है, जिससे कि थोड़ा कलरफुल लगे। उसके बाद में क्रंच के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, और साथ में डालेंगे हम इसमें लाल और हरी चेरी, क्योंकि चेरी से एकदम मेरे को कलरफुल लगता है देखने में भी, और खाने में भी टेस्टी हो जाता है ये। और ये हमारा फलूदा रेडी हो गया है। इसी तरह से मैंने आपको दूसरा एक और फलूदा बना के दिखाया है, उसमें मैंने मेन जो रखा है वो रेड कलर का फलूदा डाला है और बाकी वाइट कलर का ऐड किया है बहुत थोड़ा सा। और ये हमारा फलूदा रेडी हो गया है, खाने में टेस्टी, क्रंची, सॉफ्ट